आज हम लोग अपने सेकंड फाइलम सीलेंट्रेटा यानी निडेरियन से स्टार्ट करेंगे। टिल नाउ इस फाइलम की 6000 स्पीशीज नोन है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दी जनरल फीचर्स। पहला जनरल फीचर क्या है? हैबिटेट। तो ये लोग एक्वेटिक होते हैं नेचर में, यानी कि मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों फॉर्म्स मिलती हैं। फ्रेश वाटर फॉर्म का एग्जांपल क्या है? हाइड्रा। फिर हम पढ़ेंगे हैबिट के बारे में। इसे हमने फोर पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, सॉलिट्री, कॉलोनियल, सिसाइल एंड फ्री स्विमिंग। सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिट्री के बारे में। टर्म अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है, ये ऑर्गेनिजम्स इंडिपेंडेंटली रहते हैं विदाउट इन एसोसिएशन विद द इंडिविजुअल्स। अपनी ही मेंबर्स के साथ एसोसिएशन में नहीं होते बल्कि इंडिपेंडेंटली रह रहे होते हैं। एग्जाम्पल गुड बी हाइड्रा। देन कॉलोनियल, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि कॉलोनी में रहते हैं अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स के साथ एसोसिएशन में होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? फाइसेलिया। साइंटिफिक नेम्स, पहला लेटर कैपिटल एंड अंडरलाइन। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? गॉर्गोनिया। कॉमन नेम सबके याद करोगे, इसका कॉमन नेम है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, गॉर्गोनिया का है सी फैन। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास सिसाइल, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिसाइल कहते हैं। फ्री स्विमिंग, जो कि इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर पा रहे हैं, उसमें भी आप एग्जांपल फाइसेलिया का दे सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट हैबिट। नाउ बॉडी सिमेट्री। कैसे बॉडी सिमेट्री होती है? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जिसमें कि एक प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास करता है और दो आइडेंटिकल हाफ्स बना देता है। इसके बारे में मैं आपको बेसिक इंट्रो में रेडियल सिमेट्री के बेनिफिट्स बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा लेवल है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर सेल्स जो है वो कंबाइन हो रहे हैं एंड वो टिश्यू बना रहे हैं। इसके अपार्ट ये टिश्यूज अपने आप में कोऑर्डिनेट करके वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है जर्म लेयर्स। कैसे है? डिप्लोब्लास्टिक है, यानी दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक है एक्टोडर्म और एक है एंडोडर्म। मीजोडर्म की जगह मिजोग्लिया प्रेजेंट है। अब यहां पर क्योंकि दो जर्म लेयर्स हैं तो बॉडी वॉल भी दो बन रही है। एक बॉडी वॉल है इसकी एपिडर्मिस, जो कि बन रही है फ्रॉम एक्टोडर्म, और दूसरी है इसमें गैस्ट्रोडर्मिस, जो कौन बना रहा है? एंडोडर्म बना रहा है। क्लियर। तो ये दो जर्म लेयर्स, दो बॉडी वॉल्स बना रही हैं, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। अब हम एपिडर्मिस के सेल्स के बारे में देखेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। पहला सेल कौन सा है? एपिथीलियो मस्क्यूलर सेल्स। ये कैसे सेल्स होते हैं? ये वाले सेल्स जो हैं, ये दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नाम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक सेल एपिथेलियल सेल होगा जो कि एक्सटेंड करेगा टू द बॉडी सरफेस। दूसरा सेल जो है वो मसल सेल होगा, जो कि दो लॉन्ग प्रोसेसेस में एक्सटेंड करेगा अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स दो फंक्शनल यूनिट्स परफॉर्म कर रहे हैं। एक एपिथेलियल सेल है, एक मसल सेल है। जो एपिथेलियल सेल है वो एक्सटेंड होकर बॉडी सरफेस बनाएगा और मसल सेल एक्सटेंड कर जाएगा अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। दूसरा जो है इसमें वो है ग्लैंडुलो मस्क्यूलर सेल। अब यहां पर भी नाम अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। हमने बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स सिसाइल होते हैं, तो ग्लैंड्स का काम क्या होता है? सिक्रीशन का। तो यहां पर ये एक स्लाइमी मटेरियल सिक्रीट करते हैं जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को सबस्ट्रेटम से अटैच होने में। थर्ड टाइप के सेल यहां पर आते हैं, इंटरस्टीशियल सेल। ये सेल्स कैसे होते हैं? टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। हमने पॉलीफेरेंस में आर्कियोसाइट्स के बारे में पढ़ा था कि वो भी टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। तो ये टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड होकर फर्दर न्यू थिंग्स बनाने की या न्यू सेल्स बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। फोर्थ टाइप का सेल यहां पर है, सेंसरी सेल। सेंसरी सेल्स का काम क्या होता है? ये सेल्स पूरे एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं अलोंग विद कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, जैसे कि टेंटाकल्स, हाइपोस्टोम एंड बेसल डिस्क। जब मैं हाइड्रा का स्ट्रक्चर बताऊंगी आई विल एक्सप्लेन यू कहां कहां ये लोकेशंस होती हैं। तो सेंसरी सेल की लोकेशन है टेंटाकल्स, हाइपोस्टोम और बेसल डिस्क। ये सेल्स जो है रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सिस को। ठीक,
अगले टाइप के सेल होते हैं नर्व सेल्स। हमने पढ़ा था कि पॉरीफेरेंस लैक नर्व सेल्स, तो सबसे पहले नर्व सेल्स जो है वो किसमें ओरिजिनेट हुए थे, निडेरिया फाइलम में ओरिजिनेट हुए थे। ये कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को, ठीक है, और ये सबसे पहले कहाँ मिले थे, निडेरियंस में मिले थे। अगला सिक्स टाइप का सेल है जर्म सेल। ये सेल्स जो है रिस्ट्रिक्टेड रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। इनके बारे में मैं आपको आगे तीन क्लासेस बताऊंगी, हाइड्रोजुआ, स्काइफोजुआ और एंथोजुआ। तो जो हाइड्रोजुआ होता है उसके अंदर जर्म सेल्स एक्टोडर्मल होते हैं, और जो रिमेनिंग दो क्लासेस हैं स्काइफोजुआ और एंथोजुआ, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो एंडोडर्मल होते हैं। क्लियर। सेवेंथ टाइप का जो सेल आपके पास लास्ट जो सेल प्रेजेंट होता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक सेल है वो है नीडोब्लास्ट। क्लियर। इस नीडोब्लास्ट को हम स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके मैकेनिज्म के बारे में। ये सेल्स कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं, जो नाम निडेरिया है वो इसी सेल से डिराइव हुआ है। इट इज एन ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। ये अपने प्रेस को कैप्चर करने में और अपने प्रेडेटर्स से बचने में ये वाला सेल सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इवन फीडिंग वगैरह में भी हेल्प करता है। सो यहाँ पर हमने एपिडर्मस के सेवन टाइप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रोडर्मिस यानी इनर लेयर के सेल्स के बारे में। जो अब गैस्ट्रोडर्मिस होता है वो क्या है, कौन सी लेयर से बना है, एंडोडर्म लेयर से बना है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक। इस लेयर में सिक्स टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट नीडोब्लास्ट। तो नीडोब्लास्ट एक्सक्लूसिवली कहां प्रेजेंट हुआ, एपिडर्मिस में। तो गैस्ट्रोडर्मिस का पहला सेल कौन सा है, एंडोथीलियो मस्क्यूलर सेल्स। अब ये जो एंडोथीलियो मस्क्यूलर सेल्स होते हैं इनका क्या काम है, एक तो एंडोडर्म से बन रहे हैं, ऊपर से मसल सेल्स हैं तो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, प्लस न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इन्हें न्यूट्रिटिव मसल सेल्स भी कहते हैं। दूसरा टाइप है एंडोथीलियो ग्लैंड सेल्स। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हाइपोस्टोम और माउथ में। फिर इसके अलावा जो सेंसरी सेल्स हैं या नर्व सेल्स हैं या जर्म सेल्स हैं और इनफैक्ट इंटरस्टीशियल सेल्स हैं, ये सब सिमिलर होते हैं फंक्शन में टू दैट ऑफ द एपिडर्मिस। तो इनके फंक्शंस जो है वो एपिडर्मिस से मिलते जुलते होते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो नीडोब्लास्ट है वो स्पेसिफिकली कहां प्रेजेंट होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, एपिडर्मिस में। दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड कुड बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे हाइड्रा के बारे में बिफोर वी स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो हाइड्रा होता है वो कहां मिलता है, हाइड्रा कूल स्टेग्नेंट एंड क्लीन वाटर में मिलता है। कैसा है नेचर में, कार्निवोरस होता है, मींस वाटर फ्लीज पर फीड करता है। वाटर फ्लीज के एग्जांपल डेफनिया, साइक्लॉप्स। इसी में कोई लार्वल फॉर्म नहीं होती तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, करेक्ट। जहां पे भी लार्वल फॉर्म होगी वहां इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसमें कोई लार्वल फॉर्म नहीं है सो डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हाइड्रा का, ये डायोशियस होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसमें मेल और फीमेल डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। जो मेल होता है हम मेल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसके पास 1 to 8 टेस्टिस प्रेजेंट होती है डिस्टल एंड पर, और जो फीमेल होती है उसके अंदर 1 to 2 ओवरी होती है, कहां, प्रोक्सिमल एंड पर। क्लियर। सो ये सब कुछ हो गया हाइड्रा के बारे में। अब एक चीज और है टेंटैकल्स। इसके पास न्यूमरस टेंटैकल्स होते हैं अबाउट 6 to 10 नियर द माउथ एंड। हम एक बार एक इसका छोटा सा रफ डायग्राम देखेंगे कि कैसा दिखता है। सो ये बहुत ही रफ डायग्राम है हाइड्रा का, जिसमें हमें एक बट दिख रही है, ये हाइपोस्टोम है, हाइपोस्टोम कंटेन करता है माउथ, और यहां पर हमें 6 to 10 टेंटैकल्स दिख रहे हैं।
So this was all about the hydra. Now we will discuss about the digestive tract. So what important thing is, वहां पर हम लोगों ने स्पॉन्जो सील पढ़ा था जिसे हम पैरागेस्ट्रिक कैविटी कह रहे थे. इनके पास एक कैविटी होती है जिसे हम गेस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी कहते हैं. इसे हम गेस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी क्यों कहते हैं, टर्म्स को आप ब्रेक करोगे समझ आएगा. गेस्ट्रो इज रिलेटेड टू डाइजेशन, क्योंकि ये कैविटी डाइजेशन में हेल्प करती है फूड की, तो गेस्ट्रो हो गई. वेस्क्युलर क्योंकि इसी कैविटी में सर्कुलेशन भी हो रहा होता है, इसीलिए इसको वेस्क्युलर. तो ये कैविटी होगी गेस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी. इसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हम यहां पर रेफर कर रहे हैं कि माउथ और एनस दोनों की तरह सर्व करेगी, यानी कि इसी के थ्रू फूड अंदर भी जाएगा और अनडाइजेस्टेड मटेरियल इजेस्ट आउट भी होगा. तो इसमें एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, गेस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी होती है. डाइजेशन किस तरीके की होती है, इनमें इनमें जो डाइजेशन है वो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, यानी कि इस कैविटी के अंदर डाइजेशन होगी. पहले सारे डाइजेस्टिव जूसेस, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंजेस्टेड फूड पे सिक्रीट होंगे, उसको छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे, तो पहले डाइजेशन हो गई एक्स्ट्रा सेलुलर. सेल के बाहर, किसी कैविटी में हो रही है, सेल के अंदर नहीं हो रही. दूसरी डाइजेशन कैसी होती है इसकी, इंट्रा सेलुलर. मतलब जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया है, अब जो सेल्स हैं जो लाइन कर रहे हैं बॉडी को, उनके अंदर वो डाइजेस्टेड फूड जाएगा और वहां पर फर्दर डाइजेशन कंटिन्यू होगी विद इन द वैक्यूल्स. वो वैक्यूल्स कहां पर हैं, सेल्स के अंदर. तो सबसे पहले क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कैविटी के अंदर, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन विद इन द सेल. तो यहां पर डाइजेशन कैसी है, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर है फिर इंट्रा सेलुलर है. सो यहां पर हमने सारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया. अब हम लोग थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे किसके बारे में, नीडोब्लास्ट के बारे में, जिसे हम नीडोसाइट्स भी कहते हैं. इसका स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें मैं आपको दो फॉर्म्स दिखाऊंगी, डिस्चार्ज्ड एंड अनडिस्चार्ज्ड. एक डायग्राम के थ्रू हम उसे समझेंगे एंड हम उसका मैकेनिज्म समझेंगे, कैसे वो अटैक करता है, ऑफेंस और डिफेंस में हेल्प करता है. यहाँ पर हमें क्या दिया है, नीडोब्लास्ट दिया है. ध्यान से देखो कि दो डायग्राम्स है, ए और बी. ओवल शेप्ड सेल्स होते हैं नीडोब्लास्ट. इसमें अगर आप ए डायग्राम में देखोगे तो राइट हैंड साइड पे बॉटम में एक न्यूक्लियस दिया हुआ है. इसके अंदर आपको एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा इसी नीडोब्लास्ट के अंदर, जिसे कैप्सूल लेबल किया है. इस कैप्सूल को हम क्या कहते हैं, नेमेटोसिस्ट. और ये क्या कंटेन करता है, एक फ्लूइड कंटेन करता है, एक टॉक्सिन क्रिएट कंटेन करता है जिसे हम हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं. देन बी डायग्राम में आपको थ्रेड ट्यूब, एक बड़ा सा थ्रेड दिख रहा है जिसमें कि ये सारे का सारा टॉक्सिन फिल हो जाता है. थ्रेड ट्यूब किसके तरह काम करता है, एक पियर्सिंग नीडल की तरह काम करता है. क्लियर. अब इसके अलावा आप लोग अगर ध्यान से बी डायग्राम देखोगे, आपको उसमें न्यूक्लियस के पास एक कॉइल्ड थ्रेड दिख रहा है जिसे लेसो लेबल किया है, LASO. उसको आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियस के पास एकदम स्पाइरली कॉइल्ड थ्रेड पड़ा हुआ है जिसे हम लेसो कहते हैं. ये क्या है, एक रिस्ट्रेनिंग थ्रेड होता है. और थ्रेड ट्यूब अगर एक बार बाहर डिस्चार्ज हो जाए वो वापस अंदर विथड्रॉ नहीं हो सकती. अब फटाफट से हम लोग ये देखते हैं कि क्या इसका मैकेनिज्म है डिस्चार्ज का. क्लियर. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एकदम से थ्रेड ट्यूब का बाहर एवर्जन होता है. इवर्जन का क्या रीज़न है ये हमें देखना है. ये सडन इवर्जन किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ इंक्रीज हो रहा है, उस कैप्सूल के अंदर इसका इंक्रीज हो रहा है. कैप्सूल कौन सी, नेमेटोसिस्ट. तो जैसे रैपिड इनटेक होता है वाटर का, एकदम से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और इसका इवर्जन हो जाता है. ये तो हुआ एक रीजन ऑस्मोटिक प्रेशर. दूसरा नॉर्मली क्या हो सकता है, किस वजह से हो सकता है, जो नीडोसिल है, अगर आप देखोगे एक पॉइंटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा है दोनों ए और बी डायग्राम्स में, नीडोसिल कहते हैं उसे. जैसे ही ये नीडोसिल कांटेक्ट में आता है प्रे के साथ, किसी भी प्रे के साथ थ्रेड जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा, उसकी वजह से थ्रेड ट्यूब एक बार डिस्चार्ज हो गया तो उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते. और नया थ्रेड ट्यूब कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ इंटरस्टीशियल सेल्स. क्यों, क्योंकि वो टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं. तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, नीडोब्लास्ट के बारे में. अब हम नेमेटोसिस्ट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. जो नेमेटोसिस्ट होता है उसके फोर टाइप्स होते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है. सबसे पहले हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे, दैट इज पेनिट्रेंट. इसको हम स्टीनोटील भी कहते हैं. ये लार्जेस्ट टाइप का नेमेटोसिस्ट होता है. ये क्या करता है, प्रे के अंदर
पियर्स कर जाता है, घुस जाता है और जो भी पॉइजनस फ्लूइड है उसे इजेक्ट आउट कर देता है। तो या तो ये प्रे को मार देगा या उसको पैरालाइज कर देगा। दूसरा जो बी है आप देख सकते हो, उसे हम कहते हैं वॉल्वेंट, और इसका सेकेंड नेम क्या है, डेस्मोनीम, DESMONEME, डेस्मोनीम होता है। ये स्मॉल पियर शेप्ड होता है, स्मॉलेस्ट निमेटोसिस्ट है। ये एक सिंगल लूप बनाता है, आप देख सकते हो इसके डायग्राम के अंदर एक छोटा सा सिंगल लूप बनाएगा और ये टाइटली क्वाइल करता है अराउंड द प्रे। अब नेक्स्ट क्या है, सी, थर्ड टाइप आप देखो, ये है स्टीरियोलाइन ग्लूटिनेंट। ये क्या है, इनको ए ट्राइकस आइसोराइजा भी कहते हैं। ये डिस्चार्ज करते हैं स्ट्रेट थ्रेड ट्यूब, ठीक है, एकदम स्ट्रेट थ्रेड ट्यूब ओपन एंड पर निकल जाती है। देखो आप बिल्कुल क्लियरली सी में देख सकते हो, ऊपर नीचे दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करो। फोर्थ है स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनेंट, स्ट्रेप्टोलाइन को होलोट्राइकस आइसोराइजा भी कहते हैं। इसमें जो थ्रेड ट्यूब है वो बहुत लंबी होती है और थ्रेड ट्यूब के पास आप देखोगे वो बियर कर रहा है, छोटे छोटे स्पाइंस प्रेजेंट है। अगर आप ध्यान से देखो बहुत छोटे छोटे स्पाइंस हैं और ये कॉइल हो जाते हैं अपॉन डिस्चार्ज। और ग्लूटिनेंट्स का काम क्या होता है, ये सिक्रीट करते हैं एक स्टिकी सब्सटेंस जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करेगा और हेल्प करेगा फूड कैप्चर करने में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द निमेटोसिस्ट। फोर टाइप्स आपने देखे, पेनिट्रेंट, वॉल्वेंट, स्टीरियोलाइन और स्ट्रेप्टोलाइन। इन चारों के आपको कॉमन नेम्स, दूसरे अनदर नेम्स पता होने चाहिए और फंक्शन पता होना चाहिए कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा लार्जेस्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ नीडोब्लास्ट के बारे में। पहला फंक्शन क्या है, एंकरेज। हमने पढ़ा था ना कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो फ्री स्विमिंग होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो एंकरेज में क्या है, ये एक जगह अटैच होने में हेल्प करेंगे, देन दूसरी जगह अटैच होने में, तो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है, डिफेंस। डिफेंस कैसे करते हैं, कोई भी प्रीडेटर अगर अटैक कर रहा होता है उस निडेरियम पे, तो ये नीडोब्लास्ट जो है एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, उस प्रीडेटर को या तो किल कर देंगे या उसको पैरालाइज कर देंगे। तीसरा फंक्शन जो आता है डिफेंस के बाद वो है कैप्चरिंग ऑफ प्रे। मैंने अभी आप लोगों को थ्रेड ट्यूब के बारे में पढ़ाया, तो वो थ्रेड ट्यूब क्या करती है, जो भी प्रे होता है उसके हेयर या ब्रिसल्स के आसपास अपने आप को कॉइल कर लेती है और टाइटली उसको होल्ड करके वहीं पर मार देती है। तो कैप्चरिंग ऑफ प्रे में भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये तीन बेसिक फंक्शंस होते हैं नीडोब्लास्ट के। अब हम अगला जो जनरल फीचर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्केलेटन का। स्केलेटन में क्या है, जो कोरल्स होते हैं, एग्जाम्पल है कोरल्स होते हैं जो, उनमें स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। फिर इसके बाद आता है बॉडी फॉर्म्स। यहां पे जो बॉडी फॉर्म्स होती है वो दो तरीके की होती है, पॉलिप और मेड्यूसा। जो पॉलिप है और मेड्यूसा है दोनों ही नेचर में डिप्लॉइड होती हैं, ठीक है, ठीके? ये जो है ये सिसाइल होती है, एक जगह अटैच रहती है, ये मोटाइल होती है यानी कि फ्री स्विमिंग एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये सिलेंड्रिकल है शेप में और ये अम्ब्रेला शेप्ड होती है। इसके अलावा ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है और जो पॉलिप है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। ये दो बॉडी फॉर्म्स होती हैं और यहां से हम एक नई टर्म सीखेंगे जिसे हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का क्या मतलब होता है, मेटाजेनेसिस का मतलब होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा स्टेज बनाएगी और मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप स्टेज बनाएगा। क्लियर। तो यहां पर हमने थोड़े से जनरल फीचर्स देखे, अब हम लोग एक बार एक साइकिल देखेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ओबिलिया की लाइफ साइकिल देखेंगे। सबसे पहले हम एक जो बड़ा सा ट्री लाइक स्ट्रक्चर सा कुछ दिख रहा है वो क्या है, पॉलिप स्टेज है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको एक मेड्यूसा बड दिख रही है जिसमें से क्या हो रहा है कि मेड्यूसा एस्केप आउट कर रहा है। एस्केप आउट करके, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये डायोशियस होते हैं नेचर में, तो यहाँ पे मेल और फीमेल दो मेड्यूसा बन रहे हैं। अब इनके पास अपने अपने गोनाड्स हैं, यहाँ पे स्पर्म और ओवा बना, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ से जाइगोट बना, जाइगोट से आप देख रहे हो अगले स्टेज पे क्या बन रहा है, क्लीवेज होकर के टू सेल फोर सेल क्लीवेज होगी, फाइनली ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला से एक फ्री स्विमिंग लार्वा बनेगा जिसे हम कहते हैं प्लैनुला, जिससे हमें क्या पता चलता है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ये जो प्लैनुला है ये फर्दर जाकर के अपने सबस्ट्रेटम पर सेटल आउट हो जाएगा और यहाँ से एक नई पॉलिप स्टेज बन जाएगी। टू कंपेयर अ ट्री, एक ट्री इमेजिन करो या आप कोई छोटा सा प्लांट इमेजिन करो, जो उसकी रूट होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोराइजा। यहाँ पर जो इसका बेसल पार्ट है पॉलिप का उसे कहेंगे हाइड्रोराइजा, जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच करेगा। राइजा इज रिलेटेड टू रूट। एक स्टेम जैसा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे हाइड्रोकॉलस और यहाँ से बड होगा, फर्दर वापस साइकिल रिपीट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन पार्ट। क्या पता है क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करेंगे, यहाँ पे हम मेड्यूसा या पॉलिप कौन सी स्टेज डोमिनेंट है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हाइड्रोजुआ के बारे में। यहाँ पर दोनों फॉर्म्स मिलती हैं, मैरीन भी और फ्रेश वाटर भी। यहाँ पर सॉलिटरी भी हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स और कॉलोनियल भी हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स। मोस्टली कौन सी स्टेज डोमिनेंट होती है, पॉलिप, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। सो व्हाट वी मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म, वो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर पॉलिप और मेड्यूसा दोनों प्रेजेंट है अल्टरनेटिवली। जो पॉलिप है वो फीडिंग, प्रोटेक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। अगला, क्योंकि हमने पढ़ा कि यहाँ पे मेड्यूसा भी प्रेजेंट हो सकता है और मेड्यूसा कैसा है, अम्ब्रेला शेप्ड है, तो जो इनर सर्कुलर लाइनिंग होती है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रू वेनम। ऐसे मेड्यूसा जिनमें ये प्रेजेंट होता है उन मेड्यूसा को हम क्या कहते हैं, क्रेस्पीडो। ऐसे मेड्यूसा को हम क्रेस्पीडो कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि जो भी गोनाड्स हाइड्रोजुआ में प्रेजेंट होंगे जर्म सेल्स के टाइम पर वो कैसे होते हैं, एक्टोडर्मल होते हैं इन ओरिजिन, और सेक्स सेल्स जो है वो एक्सटर्नली डिस्चार्ज हो जाते हैं। क्लियर, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है हाइड्रा, जिसे हम फ्रेश वाटर पॉलिप भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम्स याद रखना, साइंटिफिक नेम्स अंडरलाइन करना। दूसरा एग्जाम्पल है इसका फाइसेलिया, जिसे हम पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, और तीसरा एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो मिलीपोरा, जिसे हम हाइड्रॉइड कोरल कहते हैं। क्लियर, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हाइड्रोजुआ। इन क्लास है स्काइफोजुआ। अब ये कैसे होते हैं, ये मोस्टली मेरीन होते हैं, और यहाँ पर कौन सी स्टेज डोमिनेंट होती है, मेड्यूसल स्टेज डोमिनेंट होती है, और यहाँ पर जो मेड्यूसा होता है वो विदाउट एनी ट्रू वेलम प्रेजेंट होता है। क्लियर, तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है, यहाँ पर जितने भी गोनाड्स हैं दे आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन, और ये क्लास जो है मोस्टली जेलीफिश की होती है। ओके, सो इसका एग्जांपल क्या है, ऑरेलिया, जिसे कॉमनली हम क्या कहते हैं, जेलीफिश कहते हैं। क्लियर, तो स्काइफोजुआ कैसे हैं, ये मेरीन है, मेड्यूसा इनका डोमिनेंट फॉर्म है, एंडोडर्मल है ओरिजिन में, और जेलीफिश इनकी मेन एग्जांपल मेन क्लास है। प्लस इसके अंदर जो पॉलिप है या तो वो एब्सेंट होगा या फिर रिड्यूस्ड होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्काइफोजुआ। हम लोग अपनी लास्ट क्लास पढ़ेंगे जो कि है एंथोजुआ। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, मेरीन हैं, जो कि अटैच कर जाते हैं रॉक से बाय देयर बेसल सरफेस। अगला, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म सॉलिटरी भी हो सकते हैं या फिर कॉलोनियल भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। इसके अंदर मेनली हमें पॉलिप स्टेज ही मिलती है डोमिनेंट, मेड्यूसा एब्सेंट होता है। जो गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी होती है वो डिवाइडेड होती है बाय द सेप्टा इनटू स्मॉल कंपार्टमेंट्स, जिसके अंदर जो सेक्स सेल्स होते हैं वो डिस्चार्ज कर जाते हैं इजीली, और यहाँ पर जो गोनाड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंडोडर्मल होते हैं नेचर में। ओके, अब इसका एग्जांपल है, एक है पेनाट्यूला,
जितने साइंटिफिक नेम्स है आप उनको अंडरलाइन करोगे, कॉमन नेम्स याद करना। ये सी पेन होता है, एक है गॉर्गोनिया जिसे हम सी फेन कहते हैं, एक मेट्रीडियम है जिसका कॉमन नेम है सी एनिमोन, एक एल्सियोनियम है जिसे आप डेडमैन्स फिंगर भी कहते हो, एक आप लोगों के पास ट्यूबीपोरा है जिसको हम कॉमन में ऑर्गन पाइप कोरल भी कहते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं अलोंग विद मेंड्रिना। मेंड्रिना इज ब्रेन कोरल। सो दीज आर ऑल दी एग्जांपल्स अलोंग विद देयर कॉमन नेम्स, डू रिमेम्बर देम। यहां हमने अपनी तीन क्लासेस खत्म करी हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस फाइलम, दैट इज कोरल रीफ्स। सो व्हाट आर कोरल रीफ्स? कोरल रीफ्स क्या है? ये एक तरीके की रिज होती है इन अ शैलो ट्रॉपिकल सी वाटर। अभी जब आप ये तीनों रीफ्स देखोगे तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। सो बेसिकली ये एक तरीके की रिज है जो कि आपको लेस डीप, नॉट सो डीप ट्रॉपिकल सी वाटर में देखने को मिलेगी। किसकी बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। क्या बनाती है? सबसे स्टेबल मैरीन इकोसिस्टम ये कोरल रीफ्स बनाती है। तीन तरीके की है, फ्रिंजिंग, बैरियर और एटॉल। सबसे पहले हम लोग फ्रिंजिंग रीफ के बारे में देखेंगे। फ्रिंजिंग रीफ वो रीफ होती है जो कि प्रेजेंट होती है एट द शोर ऑफ वोल्केनिक आइलैंड। ये एक आइलैंड है, इसके शोर पर, इसके किनारे पर जो रीफ आपको मिलेगी वो फ्रिंजिंग रीफ होती है, जिसका एग्जांपल है हवाईन आइलैंड। ठीक है, दूसरी रीफ है बैरियर रीफ। बैरियर का मतलब भी क्या है? बीच में एक स्पेस आ गया। तो अब बैरियर रीफ में क्या है? यहां पर आइलैंड के शोर पर फ्रिंजिंग रीफ थी, यहां पर आइलैंड के पास एक लेगून होता है जो कि बैरियर रीफ और आइलैंड के बीच में आ रहा है। तो आइलैंड और बैरियर रीफ के बीच में बैरियर का काम कौन कर रहा है? लेगून। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? ऑस्ट्रेलियंस ग्रेट बैरियर रीफ। थर्ड टाइप का है एटॉल रीफ्स। एटॉल रीफ्स में क्या है? ये हॉर्स शेप्ड रीफ्स होती हैं, किसी आइलैंड के शोर पे प्रेजेंट नहीं होती, इंस्टेड ये एक लेगून को सराउंड कर रही होती हैं। या तो इनके बीच में चैनल्स होंगे, ब्रेक्स प्रेजेंट होंगे, और कुछ केसेस में ये कंटिन्यूस भी होती हैं। तो ये हॉर्स शू शेप्ड होती हैं, ब्रेक्स प्रेजेंट होते हैं, आइलैंड के शोर पे नहीं मिलती, इंस्टेड ये लेगून्स को सराउंड कर रही होती हैं। इनका एग्जांपल है लक्षद्वीप एंड मालदीव आइलैंड इन इंडियन ओशियन। ये दोनों आइलैंड्स जो है इंडियन ओशियन में, ये कंपोज करते हैं, मिलके बनाते हैं एक एटॉल रीफ। सो कोरल रीफ जो है ये स्टेबल मैरीन इकोसिस्टम बना रही है, तीन टाइप्स की है। यहां पर बैरियर का काम लेगून कर रहे हैं, ये सीधा शोर पे प्रेजेंट है, और ये हॉर्सशू शेप्ड होती है। तीनों के एग्जांपल्स आप याद कर लेना, कुड बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यूज। सो गाइस, अगर आप लोगों ने बेसिक इंट्रो और पॉरीफेरा मिस कर दिया है, डू वॉच इट। आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई भी डाउट हो आप लोग इस लेक्चर से रिलेटेड या प्रीवियस दो लेक्चर से रिलेटेड, आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कीप लर्निंग, keep working. Thank you. So guys, here are your questions. Do practice them, and in case you have any doubts, do ask in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe my channel. Keep learning, keep working.